हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, आवाज साफ आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है अभी। आलिम साहब बोल रहे हैं, मुस्तकीम आलिम साहब? हाँ जी, हाँ करिए जी, आपको। शेख सब खैरियत से हैं? जी दुआएं आपके। कौन है आप? जी, मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से, आपका छोटा दिनी भाई। अब्दुल खान जी जी बोलिए। जी मुझे एक चीज आपसे थोड़ा मतलब जाननी थी, वक्त है आपके पास 2 मिनट का? आप इलाहाबाद से बोल रहे हैं? जी। और तो मुझे कैसे जानते हैं आप मुझे कैसे जानते हैं? एक भाई ने आपका नंबर दिया था, कहा था ये आलिम दीन है, अगर कोई आपका सवाल हो तो इनसे पूछ लीजिएगा। कौन भाई ने दिया? अब्दुल्ला किसने दिया था भाई। ये? अब्दुल्ला भाई कहाँ गए? इंडिया से, बिहार से। आप बिहार के हैं अरे ना? आप बिहार के हैं ना? भाई, हम अब्दुल्ला को नहीं जानते हैं। कौन अब्दुल्ला, कहाँ के थे? अच्छा, हाँ, तो आप उनको नहीं जानते होंगे, वो आपको जानते होंगे। जरूरी नहीं है कि जो लोग आपको जानते हो आप सबको जानते हो। ना ऐसा होता है, वो हमको जाने, हमें जाने ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा नंबर उनके पास कैसे पहुंच जाएगा? अलग बंदे। अब कोई आपका जान पहचान का होगा, मेरे को इतना मालूम नहीं, उसने आपका नंबर दिया है, तो अगर आप थोड़ी हमारी मदद कर दें तो बहुत मेहरबानी रहेगी, वरना कोई आप उनको जरूरत जानते हैं? नहीं है। आप अब्दुल्ला को जानते हैं? कहाँ जी, बिहार के रहने वाले? वो के। बिहार कहाँ के? बिहार कहाँ के रहने वाले हैं? अब बिहार के हैं, मतलब शायद वो बेगूसराय जो गांव है तरैया, हाँ वहां के हैं। अच्छा, नहीं यहाँ पर अब्दुल्ला है ही नहीं। अरे खैर, अब्दुल्ला को हटाइए, ठीक है? आप हो सकता है उसको ना जानते हो, ठीक है, वो आपको हाँ जानता हो। तो नहीं, थोड़ा एक ऐसा मेरा नहीं छोटा सा सवाल था शेख, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है उसके बारे में। नहीं, आपको हम नहीं जानते इसलिए मसला नहीं बताएंगे हम। अरे तो आपको अब्दुल्ला का क्या मतलब, अब्दुल्ला की पूरी आईडी फोटो उसके बाद मतलब देखने के बाद आप आंसर देंगे हाँ, क्या? हम जान पहचान वाले को मसला बताते हैं, अनजान को मसला नहीं बताते हैं। क्यों, क्या जो ये हमारा दीन है खाली मतलब भाई ये जान पहचान के लिए आया है, नहीं, आपको और पहचानते बाकी नहीं लोग हैं। अगर दीन सीखना चाहते हैं तो उनको नहीं सिखाएंगे? जरूर सिखाएंगे, लेकिन पहचाने हैं तब तो। तो बता तो दिया, मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, आपका छोटा दीनी भाई हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ। अब घर कहाँ आपका? इलाहाबाद में, इलाहाबाद कहाँ? इलाहाबाद फाफा मऊ शांतिपुरम कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, हाउस नंबर D/88। बहुत लंबा चौड़ा बता दिया आपने। नहीं तो अब मैं सवाल अपना पूछूं छोटा सा? नहीं सवाल अभी नहीं पूछे आप। तो शेख, आप फिर आलमी दिन आप काहे के लिए बने, जब आप भाई वो लोगों की सलाह नहीं करेंगे, उनको नहीं, दीन नहीं बताएंगे, तो आलमी दिन आपके बन के फायदा क्या हुआ? जब तक आपको हम पहचानेंगे नहीं, और अच्छा, और थोड़ा मतलब प्रॉब्लम तब कैसे अपनी हो पहचान सकता है। बताऊं भाई? मैंने आपको फोन किया, आपसे इज्जत से बात की, आपको अपना नाम बता दिया, अपना तारुफ दे दिया, अपना एड्रेस आपको दे दिया, अब मैं क्या करूं? नहीं, तो आपको कैसे पता कि हम बेगूसराय के आहार रहने वाले? हम बेगूसराय ही नहीं है। मैं हाँ ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा जो दोस्त है वो वहां रहता है, उसने आपका नंबर दिया है, कहा ये आलिम दीन है, ठीक है, मुस्तकीम इनका नाम है, अगर आपका कोई सवाल हो, आपको दीन के बारे में अगर कुछ भाई इल्म चाहिए तो आप इनसे रابطہ कर लीजिएगा, तो ये आपको बता हाँ देंगे। तो इसलिए मैंने आपके पास एक दीनी मसला पूछने के लिए मतलब भाई फोन किया, और मैंने पूछा भी कि आलिम साहब बोल रहे हैं, तो आपने कहा कि हाँ बोल रहे हैं, तभी हाँ मैंने हम तो बोल आपसे रहे हैं कहा आलिम ना। साहब, लेकिन आपको जिसने नंबर दिया उसका पता सही बताइए, नंबर कौन दिया आपको? अरे हद है मेरे भाई, कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगे मेरे भाई? हम यहाँ दीनी मसला आपसे पूछने के लिए फोन किए हैं, और आप हैं कि किसने नंबर दिया, कब दिया, कौन है? मसला भी है या कोई मसला हो, हम अनजान वालों को नहीं बताते हैं मसला। तो मैं अनजान नहीं हूँ ना, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमे को भाई हमने पढ़ा है, उसके जो भाई तकाजे हैं उसको पूरे करने की कोशिश करते हैं, ठीक
ठीक है। बहुत 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 अच्छा आप कलमा पढ़ते हैं, लेकिन पहचानते नहीं आपको, हम भी नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी के पास भाई कई कई अनजान लोग भी आते थे, अल्लाह के नबी से सवाल करते थे, तो क्या अल्लाह के नबी कहते थे तुमको नहीं बताएंगे? तुमको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है? आप जहाँ रहते हैं भाई, हक को छुपाना बहुत बड़ा भाई ये गुनाह है, आपको मालूम होगा। बहुत सारे इमाम होंगे, बहुत सारे मदरसे होंगे। मेरा कोई इमाम नहीं है, मेरे जो इमाम है वो इमामुल आजम, इमामुल अंबिया, ठीक है, अल्लाह के नबी है मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके मस्जिद के इमाम है? नहीं, उनको नहीं मालूम है ना, तभी तो आपसे पूछा। आपके इलाहाबाद में मुझे ये जानना था कि चारों आइमा जो हैं वो बरहक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, तो इनमें से एक की तकलीद भाई वाजिब है, तो ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया, बस इतना मुझे जानना था। अगर वाजिब की दलील हमको मिल जाएगी तो हम भी किसी इमाम की भाई हम तकलीद करना स्टार्ट कर देंगे। आप इमाम को तकलीद नहीं करते हैं? नहीं, तकलीद दीन इस्लाम में है नहीं ना, वही तो जानना है कि अगर तकलीद दीन इस्लाम में है तो इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह ने कभी तो कहा होगा क्या मेरे जाने के बाद तुम लोग हनफी बन जाना, मेरे नाम से मसलक बना लेना, मेरी तकलीद करने लगना, तो वही जानना है। अगर उन्होंने कहा है तो बेशक हम हनफी बनेंगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं कहा है तो फालतू हनफी बन के क्या फायदा? अच्छा अच्छा, ये बात अब तक कैसे पहुंची? ये बात अब तक कैसे पहुंची भाई? कुरान हदीस से। कुरान हदीस आप तक कैसे पहुंचा? कुरान हदीस भाई, आप आलिमी दीन है ना, तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा ना, आप तो मेरे को आलिम मान के मेरे सवाल करने लग गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तकलीद वाजिब है, इसकी दलील क्या है? आपसे ये पूछ रहा हूँ कुरान और हदीस आप तक कैसे पहुँचा? अरे मेरे भाई, अल्लाह सुबहान व तआला ने आसमान से कुरान को अपने नबी के ऊपर नाजिल किया, ठीक, अल्लाह के नबी ने सहाबा को बताया, सहाबा ने उसको लिखा, उसके बाद अल्लाह के नबी के जाने के बाद जो भाई कुरान था वो किताबी शक्ल में जमा हुआ, जमा होने के बाद वो हम तक पहुंच गया। हमारी बात सुनिएगा तो फोन करेंगे, नहीं तो हम काट देंगे फोन। तो फोन काट दीजिए, धमकी मत दीजिए भाई, फोन काट देंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप ही के ऊपर गुनाह पड़ेगा कि आपने मसला नहीं बताया। कोई गुनाह नहीं। आप आलिम दीन है, तकलीद के दावेदार हैं, तो तकलीद के भाई आप कुछ ना कुछ तो बताएंगे दलील। कुरान और हदीस हम तक अल्लाह और अल्लाह के नबी के जरिए सहाबा से होते हुए हम तक पहुँचा। अल्लाह के नबी आपके पास डायरेक्ट आए पहुँचाने? अल्लाह तो डायरेक्ट आते तो हम सहाबा ना हो जाते, और सहाबा होते तो आप कैसे जाहिल आलिम से फोन का ही क्लेम करते? अरे भाई मुझे पूछ रहा हूँ, पहले कुछ बताओ मुझे सवाल। नहीं, अगर अल्लाह के नबी डायरेक्ट हमको बताते तो मैं सहाबी हो जाता ना, तो आप ऐसे जाहिल आलिमों से मैं काहे टाइम वेस्ट करता? मैं इसीलिए आप जैसे जाहिल से पूछ रहा हूँ। कुरान तो मुकल्लिद जाहिल होता है ना, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, इजमा को आप नहीं मानते हो? आप पूछ रहे हैं तो आप बताइए। हाँ, मतलब आलिम दीन की डिग्री लिए बैठे हुए हैं और उल्टा मुझसे सवाल पे सवाल ठोके जा रहे हैं। मैं तकलीद की दलील मांग रहा हूँ, अगर साबित हो तो दलील दे, तो बात खत्म हो जाती है साहब। तकलीद की दलील आपको दे रहा हूँ मैं, आप ये तकलीद की दलील है? कुरान हदीस कैसे पहुँचा, इसमें कहाँ से आ जाएगी तकलीद की दलील? अरे आपको किसने बताया, आपको किसने बताया कि हदीस सही है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको किसने बताया कि हनफी बन जाओ? मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आप आलिम है या मैं आलिम हूँ भैया? तो आप इकरार कीजिए कि मैं आपसे भी बड़ा आलिम हूँ, तो फिर अभी मैं आपको दिन समझाता हूँ। आपने जो कहा कि मैं चारों इमाम को नहीं मानता हूँ, मैंने कहा मैं चारों अइमा को बरहक मानता हूँ, लेकिन किसी एक की तकलीद को वाजिब नहीं मानता हूँ, क्योंकि वाजिब अल्लाह करता है ना, वाजिब कोई अपने आप से अपने ऊपर थोड़ी ना कर लेगा। मैं आपसे ही बताऊंगा वाजिब कैसे करते हैं, फर्ज कैसे करते हैं, आप पहले ये वाजिब और फर्ज दोनों एक ही हैं। आपसे मैं पहले बताऊंगा वो एक ही है या दो है या तीन है, आप बताइए ना पहले, हदीस अब तक कैसे पहुँची है? अरे हदीस मेरे भाई सनद के जरिए पहुँची। सनद आपको पता है क्या होती है दिन में? सनद किसे कहते हैं? हाँ वो हम जानते थे, आप मतलब पूरा दिन मुझसे ही सीख लोगे, ठीक है, अहले हदीसों से दिन सीखते हैं आप, उसके बाद अहले हदीसों से मतलब भाई वो आराम से होशियारी करते हो। आप अहले हदीस हैं? अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। अहले कुरान नहीं है? अहले कुरान नहीं है आप? यही तो आपकी अक्ल के ऊपर कौमे लूत के पत्थरों की बारिश हो, जब अल्लाह ताला कुरान में कहता है अहले
किताब, तो अहले किताब में तौरात और इंजील उसमें दोनों मौजूद है। इसी तरीके से जब हम लोग कहते हैं अहले हदीस तो उसमें कुरान और हदीस भाई ये दोनों मौजूद हैं। लेकिन आपकी अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है ना, इसीलिए आप ऐसे सवाल पूछते हो। अरे ये बताओ पहले तुम तक हदीस किसने पहुंचाया, तुम तक हदीस आप तक इमाम का कॉल भाई किसने पहुंचाया? इमाम और इमाम को छोड़ो ना, हम जो पूछ रहे बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इमाम को आपने भाई वो छोड़ दिया, अंधी तक भी छोड़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप एकदम सीधी राह पे आ गए। तो तकलीफ क्यों कर रहे हो, क्यों पकड़े हो? ऐसा जिंदगी में कौन सा मसला पेश आ गया जो आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद अपने ऊपर वाजिब करना पड़ गया और आपको जाहिल बनना पड़ गया? एक तरफ आप अपने आप को आलिम भी कह रहे हो, दूसरी तरफ भाई आप तकलीफ भी कर रहे हो, तो जाहिल और आलिम एक जगह कैसे जमा हो सकता है? एक सवाल नहीं बता रहे हो और जो है दुनियादारी, तुम सवाल क्यों बताऊंगा, जवाब दे रहा हूँ ना मैं। सवाल की दुकान तो आप लोग का खोलना काम ही है। एक 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 लफ्ज का जवाब नहीं दे पाया अभी, तो बताओ ना। चलो सवाल पूछो, आराम से पूछो। मैंने कहा आप तक जो है ये एक हदीस कैसे पहुंची है, किसने पहुंचाया है? हदीस की सनद है मेरे भाई, वही तो बता रहा हूँ ना। अल्लाह के नबी से सहाबी ने सुना, सहाबी से फला ने सुना, फला से फला ने सुना, फला से मुहद्दिसीन के पास पहुंची, मुहद्दिसीन से किताबों में आ गई, किताबों के जरिए हम तक पहुंच गई। तो हर चीज सनद है ना दीन में। आपकी भाई ये तकलीद की तरह थोड़ी ना बिना सनद की तकलीद हो जाए। किताब लिखने वाले को आपने माना ना भाई? हाँ, तो मानना क्या तकलीद हो जाता है? यही तकलीद है, शुरू से तकलीद कर दिया भाई। ये किस जाहिल ने आपको बताया? आपकी मुसल्लम में सबूत मुतरा हुआ है, तकलीद उस अमल का नाम है जो बिना दलील के की जाए। तो कौन सी बात हमने बिना दलील के मान ली? बिना तकलीद के आदमी आसानी से दीन फॉलो कर सकता है, लेकिन जैसे वो तकलीद के जाल में फंस जाता है वो अंधा हो जाता है और दीन पे चलना मुश्किल हो जाता है उसका। तकलीद के करने वाले इसी गुमराही के दाने। तो आपने कौन सी तकलीद की? आप खुद गैर मुकल्लिद हो मेरे भाई, और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कलम से लिखा है कि वो खुद गैर मुकल्लिद थे। तो आप खुद एक गैर मुकल्लिद की तकलीद करके कैसे मुकल्लिद बन सकते हो भाई? ये झूठा दावा है आपका, आप झूठ बोलते हो उम्मत से, आवाम को धोखा देते हो। आपने कौन से मसले में तकलीद की जरा हम भी तो जाने, कितने बड़े मुकल्लिद आप बने बैठे हुए, बताओ कौन से मसले में तकलीद की? हमने सारे मसले में तकलीद की है, कोई मसला अकीदे में भी तकलीद की है? सारे मसले में हमने तकलीद की है, बताओ किस मसले में किया है, किस मसले में किया है? अरे कौन से मसले में तकलीद किया बताओ ना। अरे इसी वजह से तो सारे अहले हदीस गुमराह हो गए। लो यार, तुम्हारे हनफी जाहिल आलिम लोग कहते हैं तकलीद खाली मसाइले गैर मनसूसा में होती है, और आप इतने बड़े जाहिल हो कि आप कह रहे हो हमने हर मसले में तकलीद की है। तो ये मसाइले भाई, ये मनसूसा और मसाइले गैर मनसूसा, यानी कि इनमें कोई फर्क ही नहीं है, आपने सारे मसले में तकलीद कर ली। हाँ, वाकई तकलीद एक तकलीफ बन गई आपके लिए, खिलौना झुंझुना हो गया आपके लिए। इतने बड़े जो है ये आले हदीस, इतने बड़े भाई, इतने बड़े खाली दिमाग भाई ये देवबंद वाले हैं कि एक देवबंदी कहता है कि तकलीद हम मसाइले गैर मनसूसा में कहते हैं, और दूसरा देवबंदी आलिम कहता है कि हम हर मसले में तकलीद करते हैं। मतलब कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, मुंह में बवासीर हो गई, जो जिसके मुंह में आता है बोल देता है। आले हदीस इतने बदअखलाक बदकिरदार, और जो है भाई देवबंदी इतने बड़े देव के बंदे हैं, जाहिल हैं, नालायक हैं कि वो तकलीद समझते भी नहीं है, और बिना तकलीद को समझे अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं। अल्लाह किसको कबूल कर रहा है, देखो ना अल्लाह किसको कबूल कर रहा है। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान हदीस को भाई वो अल्लाह ताला ने कबूल किया है ना। अल्लाह ताला अंधी तकलीद नहीं कबूल करता है, अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है भाई, हमको भाई वो बसीरत दी है, हम लोगों को भाई वो बसीरत के साथ दलील के साथ बुलाते हैं। आपकी तरफ बिना दलील के थोड़ी ना, एक तकलीद की दलील मांगी तो कुरान हदीस छोड़ के आप भाग गए कि किसी को मानना तकलीद है। आप अपने बाप को बाप मानते हो तो क्या तकलीद हो गई है? आप अपनी माँ को माँ मानते हो तो क्या ये तकलीद हो गई? आप अपनी बीवी को अपनी बीवी मानते हो तो क्या तकलीद हो गई? आप अल्लाह को अल्लाह मानते हो तो क्या तकलीद हो गई? आप नबी को नबी मानते हो तो क्या तकलीद हो गई? साहबा को साहबा मानते हो